आज की वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम गार्डन या प्लांट के लिए के वेल्ड्रन सोयल तैयार करेंगे। वेल्ड्रन सोयल में बराबर मात्रा में गार्डन सोयल, कोकोपीट, गोबर की खाद और चावल का छिलका ले लेना है, और उसमें हम 1-1.5 चम्मच जो फंगीसाइड पाउडर है वो डाल लेंगे। मेरे पास नीम खली भी है, नीम खली भी 1-1.5 मुट्ठी डाल लेना है, और डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। दोस्तों, मिक्स करने के बाद जो प्लांट हम पोट में नर्सरी से लेकर आते हैं वो तो निकालने का भी एक तरीका होता है, और बहुत आसानी से प्लांट जो निकल आते हैं। ये देखिए, बराबर मात्रा में लेकर मैंने ये जो है वेल्ड्रन सोयल जो है तैयार कर लिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और नर्सरी वाले पोट से अब मैं इसको हल्का हल्का चारों ओर से इसको मिट्टी को लूज कर लूँगा। लूज करने के बाद ही इसको निकालूंगा, क्योंकि ये एक बहुत हार्डी प्लांट हार्डी मिट्टी में लगा हुआ है। और ये देखिए, ये प्लांट जो है मैंने पहले ही मिट्टी जो है थोड़ी सी उस गमले में डाल ली है, और इसको अब निकालने की विधि जो आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से ही निकालना है। बहुत आसानी से निकल जाता है, और रूट्स भी है जो है इसकी डैमेज होने से बच जाती है। दोस्तों, इसी तरह से निकाल कर इसको पोट में लगा देना है, और पोट में लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से वाटरिंग कर देनी है, और वाटरिंग करने के बाद 2-3 दिन इसको छाया में ही रखना है। उसके बाद इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।